तरह यहाँ पे घुमाएंगे। तो इससे क्या होता है, मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं और सब्जी में ना बहुत ही दरदरे मसाले पीस के ऐड करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हम सोचले दिया हाथ जोड़ी दे माताओं के देवा मासो। नमस्कार, अन्नपूर्णा खाना विद गाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा वर्मा। मैं हूँ अंशु वर्मा। तो आज हम आपको पहाड़ी हेल्दी रेसिपी देने वाले हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पहाड़ का जो जायका है ना वो आप तक पहुँचाने का जो हमारा प्रयास है वो बिल्कुल, मतलब हम सोचते हैं कि जो भी हमारी पहाड़ी डिश है वो आप लोगों के तक पहुँचे वो, हाँ, और उसका जो स्वाद है वो भी आप चखें। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये लिए हैं हमने गागली के पत्ते। ये जो नए पत्ते आते हैं आज हम इसी की रेसिपी बनाने वाले हैं और हमारे पहाड़ में इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। कोई इसको मट्ठे में भी बनाता है, पर मैं आज आपको पहाड़ी स्टाइल की ऐसी रेसिपी दूंगी जो फ्रेंड्स आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन इसी की सब्जी खाना पसंद करोगे। जी बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ वैसे इसको गोभियाँ बोलते हैं, और मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते होंगे, लेकिन सच में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसके जो ये डंठल है ना ये सबसे पहले हम हटा देंगे। वैसे चाहो तो चाकू से भी हटा सकते हो, पर ये इतना आसानी से निकल रही है तो हम इसको हाथ की मदद से इसको निकाल रहे हैं। इस तरह ये अलग कर देने हैं पत्ते, और ये जो इसके डंठल है ये इस तरह आपको हटा देने हैं। पे अंशु तब तक ये गागली के पत्ते के डंठल अलग कर लेती है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तब तक यहाँ पे इसके लिए मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ जिससे जो हमारे ये पतोड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5-6 लिए हैं अदरक के टुकड़े, 4-5 लिए हैं यहाँ पे हरी मिर्च, 10-15 लिए हैं मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ, और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पे जीरा, 1 चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया, और 1 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे मेथी दाना, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे मेन मसाला है वो है ये तिमूर। सबके यहाँ होता है, इसका दंतन भी किया जाता है, पर जो इसके पत्ते हैं ना ये हमारे यहाँ पतोड़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब इसको डालने से जो सब्जी का स्वाद है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और यकीन मानिए बिल्कुल जैसे मच्छी नहीं होती, मच्छी का टेस्ट आता है पूरा इस पतोड़ में। तो फ्रेंड्स, ये गाँव से भिजवाया है और ये थोड़ा मुरझा गया है, पर टेस्ट इसका वैसा ही रहेगा, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये जो मसाले हैं इसको हम दरदरे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे डंठल इसके निकाल लिए हैं, और आपको भी इसी तरह निकालने हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो डंठल है ये सारे वेस्ट हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये वेस्ट नहीं हुए हैं, इसकी भी सब्जी बनती है, और वो भी उड़द के दाल के साथ, बहुत ही टेस्ट लगती है, और आपको भी ज़रूर इसकी रेसिपी देंगे एक दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी ये गेहूँ का आटा है, और यहाँ पे 1 कप मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दूंगी, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दरदरे मसाले पीस लिए थे, इसी तरह के आपको भी दरदरे मसाले पीस के ऐड करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं आपको बता दूँ, इसमें हम जो घर के मसाले हैं वही यूज़ कर रहे हैं, और इन्हीं घर के मसालों से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो इसको जो बेसन के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन जो हमारे पहाड़ों में इसको आटे के साथ ही बनाया जाता है, और सच में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मसालों को आटे में मिक्स कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे, ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसका हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो इसका घोल है ना वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, मतलब टाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, गीला घोल रखोगे तो एकदम फैल जाता है, जब आप इस पत्तों पे लगाओगे ना तो एकदम ये घोल फैल जाएगा, और लम्स में नहीं रहने चाहिए। हाँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का घोल होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इसी तरह का मिश्रण आपको बनाना है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की रखें, आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम पतोड़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये घोल हमने रख दिया है, और यहाँ पे ले लिए हमने पत्ते। जी जी बिल्कुल। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह खोलना है, और एक हाथ से हम इसको पकड़ के रखेंगे, और दूसरे हाथ से हम ये जो मिश्रण है ना ये हम इस तरह इस पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप अपने घर पे इसको ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है। जी जी। और ये जब फोल्ड करोगे ना
तो थोड़ा इसको आपको टाइट से इसको फोल्ड करना है। और ये इतने आसानी से फोल्ड हो जाता है क्योंकि ये नए पत्ते वैसे भी पहले से ही फोल्ड होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको क्या करना है, ये सारी पतोड़ बना के तैयार करने हैं। बहुत ही डिफरेंट पतोड़ है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा पात्रे जो बनाए जाते हैं उसी की रेसिपी होती है। ये बहुत ही कम होगा, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से आपको सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे अब हम दूसरे जितने भी हमारे पास पत्ते हैं इसी तरह हम इस पे ये मिश्रण लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम ये रेसिपी बना रहे हैं क्यों ना आप लोगों के साथ गाना भी शेयर करा जाए। हाँ बिल्कुल। तो जो गाना है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम बहुत गाया करते हैं। क्या वंदना है ये? जी जी बिल्कुल। ये वंदना है और ये पापा ने गाई थी, तो हम इसी को आज गाने वाले हैं। और इसी तरह मतलब देवता की आराधना भी हो जाएगी। जी जी जी, साथ में। हाँ तो चलिए। हाथ जोड़ी दे माताओं के देवा मासो चले दिया, हाथ जोड़ी दे माताओं के देवा मासो चले दिया, जय मासो चले दिया, जय मासो चले दिया, जय मासो चले दिया, जय मासो चले दिया, हाथ मुंड चे राखी दिया आंदू देवा जांदिया, हाथ मुंड चे राखी दिया आंदू देवा जांदिया, जय मासु चले दिया, जय मासु चले दिया, जय मासु चले दिया, जय मासु चले दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पतोड़ बना के बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। तो इसको मैं छन्नी में रख देती हूँ और तब तक मैं चूल्हा जला लेती हूँ। हाँ, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे। जी जी ठीक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही जबरदस्त आग भी जल गई है चूल्हे में। और अब हम इसमें कढ़ाई रख देंगे और ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितना पानी इसमें डालना है। करीबन 1 लीटर के करीब हमें इसमें पानी डालना है और इसको अच्छे से बॉयल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये इस तरह की छन्नी ले ली है, सबके घर में ये छन्नी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पत्ते हैं ना ये हम इस तरह यहाँ पे एक एक करके रख देंगे। अच्छे से आपको रखना है इस तरह, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। जैसे जैसे ये मतलब अच्छे से स्टीम होंगे ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और इसमें एक उबाल तक, मतलब एक उबाल में ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे क्योंकि ये नए पत्ते हैं बिल्कुल अरबी के, तो ये बहुत ही जल्दी मतलब बॉइल हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे जो पतोड़ है मैंने अच्छे से यहाँ पे रख दिए हैं और अब चलते हम चूल्हे की तरफ। ये देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है और इसके ऊपर हम इस छन्नी को रख देंगे और आज हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7-8 मिनट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो सब्ज़ी है वो कितने अच्छे से बॉयल हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गई है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, कैमरामैन थोड़ा ज़रा यहाँ पे जूम कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं तड़का बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पतोड़ अच्छे से बन गए हैं और मैं इसको अब एक एक करके ऐसे निकालती रहूँगी। और साइड में दीदी अपना वहाँ पे तड़का बना रही है। ये देखिए हमने सारे अच्छे से इसको निकाल लिए हैं और अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। आप चाहो तो इसको पीसेस में कट कर सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसे ही तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वही कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है 1.5 चम्मच के करीब और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे जीरा। फ्रेंड्स मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च इसमें जरूर ऐड करना आपको, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा सूखे लाल मिर्च का टेस्ट आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारे यहाँ पे जीरा और साबुत धनिया और सूखी लाल मिर्च अच्छे से चटक गई है। और यहाँ पे ली है फ्रेंड्स मैंने 10-15 लहसुन की कलियाँ। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और लहसुन की जो कलियाँ है ना इसको हम अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी लहसुन है अच्छे से भुन गई है और यहाँ पे ली है मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज, तो इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और प्याज को हम अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही कम मसालों में ये जो सब्ज़ी है बन के तैयार होती है और खाने में बहुत ही गजब की लगती है। इसमें थोड़ा तेल आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि तेल इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज और लहसुन है अच्छे से ये भुन गई है और इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ
और एक चम्मच में यहाँ पे चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। बाकी हम इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे और इसमें टमाटर बिल्कुल भी आप ऐड ना करें। टमाटर से जो इस सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अजीब हो जाएगा, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अंशु यहाँ पे जो सब्जी है आप मेरे को दे दो। तो ये देखिए अंशु ने अच्छे से सब्जी को निकाल दिया है और ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप चाहो फ्रेंड्स तो इसकी मतलब इसको टुकड़ों में भी काट सकते हो, पर जैसे अंशु ने कहा है हम इसको ऐसे ही ऐड करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इसको इसी तरह इस सब्जी को बनाया जाता है। तो जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। और इसको हम अच्छे से इस तरह ये मसाला जो है ना इसको हम सब्जी में अच्छे से यहाँ पे मिला देंगे। और सब्जी को मसाले में मिलाने का एक तरीका मैं आपको और भी बताऊंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इस तरह पकड़ लेंगे और सब्जी को हम इस तरह यहाँ पे घुमाएंगे। तो इससे क्या होता है मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं और सब्जी में ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ना ये सब्जी टूटती है। तो इस तरह आपको मसालों को अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मसाले हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं और कढ़ाई थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो अब हमारी जो ये सब्जी है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और अब हम क्या करेंगे इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स अब वो घड़ी आ गई है जिसका तब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं पराठे, आप चाहो तो रोटी के साथ भी खा सकते हो इसको। और चावल के साथ तो मैं नहीं कहूँगी, ये ज़्यादा रोटी के साथ ये सब्जी टेस्टी लगती है। आप चाहो तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो स्नैक्स के तौर पे जी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। हाँ चलो। और यहाँ पे जो ये सूखी लाल मिर्च है ना इसका तो टेस्ट, इसका टेस्ट एक अलग होता है क्योंकि इससे मतलब सब्जी का टेस्ट है ना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जी जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पराठा तोड़ेंगे और अब हम यहाँ पे सब्जी लेंगे। और तो फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ इसकी टेस्टिंग कीजिएगा जी बिल्कुल। सच में यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को तो मतलब दादी की याद आ गई क्योंकि दादी की याद उनके हाथ से ही ऐसे बनी करती थी सब्जी और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना तभी आपको पता लगेगा जी, कि ये रेसिपी कितनी ज्यादा गजब की और कितनी हेल्दी है। हाँ। सही बात है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कॉमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। अनुपूर्णा खाना विद गाना, बाय बाय।